नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, रीजनिंग में मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, ये है लेक्चर नंबर 2 और इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि विषम दिन। आज का हमारा टॉपिक है विषम दिन। विषम दिन इसका डिफिनेशन क्या होता है मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, विषम दिन का डिफिनेशन होता है सप्ताह के अतिरिक्त दिनों को विषम दिन के नाम से विषम दिन कहते हैं। ओके, सप्ताह के अतिरिक्त दिनों को विषम दिन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो हमें विषम दिन निकालना है, विषम दिन वो किस में निकालना है? पहला दिन में, क्योंकि कैलेंडर जो मिलके बनता है वो दिन से, माह से, वर्ष से और शताब्दी से, तो ध्यान दीजिएगा दिन में। दूसरा सीखना है हमें माह में, तीसरा सीखना है वर्ष में और चौथा सीखना है शताब्दी में। ओके, विषम दिन दिन में यदि निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है दिनों की संख्या और बटे में 7। उदाहरण एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं, 17 दिन में 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा, ओके, जो शेष बचेगा 17 में 7 का भाग देंगे, 7 × 2 = 14, शेष कितना बचा? 3। ये 3 ही कहलाता है क्या? विषम दिन। इसका मतलब विषम दिन दिनों की संख्या में निकालना है तो दिनों की संख्या बटे में 7 और जो शेष बचेगा उसी को हम कहेंगे क्या? विषम दिन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माह की बात करूं तो कोई भी माह होता है 28 का, 29 का, 30 का या 31 का। 28 में आप जानते हैं 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 0। तो यहां पर आप एक चार्ट बना लीजिएगा और यहां पर आपका लिखा हुआ है माह और यहां पे विषम दिन। 28 दिन में 0, 29 दिन में 1, 30 दिन में 2 और 31 दिन में 3। तो यहाँ पर आपको मिल गया कि कोई भी माह होता है, आप देखेंगे जो 12 माह होते हैं उनमें कोई भी माह 28, 29, 30 या 31 का ही होगा और 0, 1, 2, 3 विषम दिन होता है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ष। ध्यान दीजिए, वर्ष में विषम दिन निकालना, ठीक है, वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए मित्रों मैंने आपको फार्मूला लिखने जा रहा हूं आपके सामने, वर्ष प्लस लीप वर्ष। ध्यान दीजिएगा, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे में 7 और जो शेष बचेगा वही ऑड डे कहलाएगा, ऑड डे या विषम। ध्यान दीजिएगा, विषम दिन को हम ऑड डेज के नाम से जानते हैं या एक्स्ट्रा डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे में 7। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लीजिए 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? ठीक है, 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो आपको ध्यान देना होगा, ऑड डेज बराबर जितना लिखा है वर्ष 10 लिख दिया और 10 में लीप वर्ष कितने होंगे? 2 होंगे और बटे में 7, 10 × 2 = 12 बटे में 7, शेष कितना बचेगा? 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। तो चलिए आइए कुछ वर्षों में हम आपके साथ अभ्यास कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन आपसे पूछता है कभी कभी कि 252 दिन में कितने विषम दिन होंगे। ओके, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखिए, ये दिन लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि ऑड डेज निकालने के लिए अगर दिन है तो 252 में हम डायरेक्टली कितने का भाग दे देंगे, 7 का। ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 7 लिख 21, 252 में आप भाग दे लीजिएगा, 7 लिख 21, 4 2 66 42, 20 शेष कितना बचा, 0। तो यहाँ विषम दिन कितना हो गया, 0। ठीक इसी प्रकार से जो है आपसे पूछा जा सकता है, 52 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो अब देखिए ये क्या है, वर्ष है, तो ऑड डेज बराबर हो गया। हमें पता है वर्ष होता है प्लस लीप वर्ष होता है और बटे में क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पर हम वर्ष की वैल्यू कितना रखेंगे, 52 रखेंगे। लीप वर्ष की वैल्यू हमें पता है 52 बटे क्या होता है, 4 और बटे में 7। 52 लिख दिया, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 हो गया 7। 52 और 13 देखेंगे कितना होता है, 65 होता है, 7 का भाग देंगे, शेष हमारा कितना बचेगा, 2। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो एक बड़े स्टेप में मैंने किया है दोस्तों। यदि आप ध्यान देंगे, इसको आप मन में यदि रखेंगे फार्मूले को, देखिए फार्मूले तो मन में ही रखना पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ाना है तो। 52 वर्ष में तुरंत हम वोल्टेज निकालेंगे कैसे, 52 प्लस 13 65 बटे 7 कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला हेडिंग है शताब्दी वर्ष में विषम। तीसरा जो प्रकार है और चौथा शताब्दी शताब्दी वर्ष में विषम दिन, ठीक है, शताब्दी वर्ष में विषम। मित्रों हमें पता है कोई भी शताब्दी किससे बनता है, तो चलिए आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं 100 वर्ष में, ठीक है, और डेज तो 100 लिखा प्लस लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 बटे 7। 124/7 शेष कितना बचेगा, 5। तो हमें पता चल गया कि 100 वर्ष में जो विषम दिन होंगे कितने होंगे, 5 होंगे। ओके, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमें पता चल गया कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, ये शताब्दी है और ये विषम, ठीक है। 200 वर्ष में 10 10 7 से ज़्यादा है, कितना होगा, 3। 300 वर्ष में बात करें तो 100 में 5 है तो 300 में कितने होंगे, 15 15, 7 से ज़्यादा है, 7 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये जो 400 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 5 6 20 होता है प्लस 1 400वां लीप वर्ष होता है, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 0। तो आपको क्या पता चला कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5। अब ध्यान दीजिएगा, 100 में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। अब 400 के मल्टीपल में कोई भी वर्ष आएगा उसमें 0 ही होगा, मतलब 800 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0, 1200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0, 1600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0। और देखिए आपसे यदि मैं कहूँ कि चलिए 700 वर्ष में बताइए कितने विषम दिन होगा, 700 वर्ष में कितने विषम दिन होगा, ध्यान दीजिएगा सब बेसिक है, यदि आपको बेसिक नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 700 वर्ष को हम तोड़ के लिखेंगे किसमें, 400 में प्लस 300 में, 400 में 0, 300 में 1, तो हमें पता चल गया 700 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो गया।
आ रही है बात समझ में? तो मित्रों ये हमें इतना जो है 400 तक आपको डाटा याद होना चाहिए, 400 में 0, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1900 वर्ष में प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1900 वर्ष में विषम दिन होंगे कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, 1900 को तोड़ूंगा दो भागों में, कितना, पहले हम लिखेंगे कितना 1600 और प्लस लिखेंगे 300। हमेशा 400 के मल्टीपल में तोड़ के ही आगे बढ़े। 1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में 1, तो टोटल जो है 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 आ जाती है। दोस्तों अब टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले प्रकार के प्रश्न जो आपको सिखाने वाला था, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कैलेंडर से संबंधित पहला प्रकार के प्रश्न सिखाने वाला था, क्या डेट देकर समय निकालना, दिन निकालना। ये मैंने आपको पहला हेडिंग डलवाया था, ठीक है, डेट देकर दिन निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो है किसी भी डेट को दे करके दिन पूछ सकता है, कैसे प्रश्न पूछता है, आइए शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है 23 मार्च 2020 को, ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ओके, 23 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? और मित्रों ठीक है, 23 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, और आइए हम इसको सीखते हैं। आपको मैंने बताया था डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, और ये डेट किससे किससे मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा, ये डेट मिलकर बना है सेंचुरी से, मतलब शताब्दी, ठीक है, दूसरा लिखा होगा है सेंचुरी के बाद ईयर, वर्ष, ठीक है, तीसरा लिखा है मंथ, माह, और चौथा है डे, दिन। सभी में मैंने आपको क्या सिखाया है, विषम दिन निकालना सिखाया है। विषम दिन निकाल दीजिएगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा जैसे क्या। अब ध्यान दीजिए, 23 मार्च 2020 में सेंचुरी कितना है दोस्तों, 2000 वर्ष, ठीक है, वर्ष कौन सा, कितने बीत चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी वर्ष लिखा है उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, एक माइनस कर देंगे तो 20 में से एक माइनस कर देंगे, कितने वर्ष बीत चुका, 19 वर्ष। मंथ कौन कौन सा बीत चुका है, तो जनवरी बीत चुका है, फरवरी बीत चुका है, और दोस्तों दिन कौन सा पूछ रहा है, 23 मार्च, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 मार्च बस। और सब में विषम दिन निकालना अभी सिखाया है आपको, निकाल देंगे उत्तर आ जाएगा जैसे क्या। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0, 400 में 0 तो 2000 में 0, 19 वर्ष में विषम दिन निकालना है तो 19 लिखेंगे प्लस लीप वर्ष लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 19 में लीप वर्ष कितने होंगे, 4, क्योंकि 19 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ निकाल कर दिखा दे रहे हैं, 19 वर्ष में विषम दिन 19 प्लस 19 बटे 4 बटे में 7, तो 19 प्लस 4 बटे में 7, 23 बटे 7 बराबर क्या, 2। तो ये रफ वर्क है, आप अभ्यास कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 23 हो गया, और 23 में विषम दिनों की संख्या कितनी, 2। मंथ दोस्तों जनवरी में आपको पता है जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी 31 का होता है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3। फरवरी ध्यान दीजिए, ये लीप वर्ष है 2020, तो इसमें फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1, और 23 दिन में विषम दिनों की संख्या 2। तो टोटल जो विषम दिन है उसको मैं रिंग कर देता हूँ,
यही है टोटल विषम दिन। तो दोस्तों यहां कुल विषम दिन कैसे निकालेंगे, कुल विषम दिन जो कुल विषम दिन है ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो लिखेंगे, दो और तीन प्लस एक प्लस दो प्लस जीरो। दोस्तों तीन दो पाँच, एक छः दो आठ, जैसे ही ये वैल्यू आठ सात से बड़ी हो जाए फिर सात का भाग दे देंगे, कितना बचा, ओवरऑल एक आया। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं तीन दो पाँच और ये दो सात, ये कट के क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बीसों दिन ओवरऑल कितना बचा, एक बचा। तो मित्रों आप एक का कोड क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, एक का कोड मंडे होता है। क्यों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, इसमें जो है एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। मित्रों मंडे का कोड क्या होता है, एक होता है, एक विषम दिन आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मंडे, क्या होगा मंडे, तो 23 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो मंडे होगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, और कल से नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद।